आज हमारा यहाँ पर टॉपिक है ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग। ये बहुत ही सिंपल सा ग्रीटिंग कार्ड इन्होंने यहाँ पर बना करके दिखाया है, और वो भी थंब इम्प्रेशन से है, यानी आप फिंगर में कलर लगा करके तब काम करेंगे। तो ये इस तरीके का ग्रीटिंग कार्ड आप जो है तैयार कर सकती हैं। आप अपनी मर्जी से भी ग्रीटिंग कार्ड किसी और तरीके का बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं बच्चों, और बच्चों आप अपने काम को बराबर करते रहिए, बुक आपकी ख़त्म होने वाली है। ये लास्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आप जरूर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पोस्टर मेकिंग, एक सुंदर सा पोस्टर बना करके दिखाया हुआ है। आप इसे या कोई और पोस्टर आप बना करके देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, पेज नंबर 73, जहाँ पर दिया हुआ है पेपर कोलाज। इस पेपर कोलाज में आपको क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट पहले ड्रॉ कर लेना है, और फिर ड्रॉ करने के बाद आपके पास उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास कलर्स हैं, आप उनको टियर करके बड़े आराम से पेस्ट करेंगे। तो इसको पेपर कोलाज कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज है हमारा फोटो कोलाज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फोटोज पेस्ट करके दिखाई हुई हैं। इस फोटो कोलाज में हम क्या करते हैं कि फोटोज को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और हम किसी भी थीम पर अपनी फोटोज के अकॉर्डिंग उस कोलाज को बना सकते हैं। तो ये जो जगह दी हुई है, यहाँ पर आप कोलाज बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे, कार्टून ड्राइंग पेंसिल एंड पेन। तो ये एक कार्टून दिया हुआ है, और इसको पहले आपको बनाना है, और बनाने के बाद इसमें थोड़ी सी शेडिंग करनी है। तो इस तरीके से आप इसमें हाथ चला करके बेटा पेंसिल के थ्रू आप इसमें ये शेडिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसा कि आप पहले सीख भी चुके हैं, इस तरह से आप इसमें बेटा शेडिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये काम। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 76, चैप्टर 9, प्रोजेक्ट वर्क। इस प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या दिया हुआ है, स्प्रे पेंटिंग दी हुई है। स्प्रे, इसमें आपको एक कोई भी स्टेंसिल तैयार करना होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं एक रोज का स्टेंसिल है, यानी रोज का फ्लावर स्प्रे करके बनाया हुआ है, और कुछ लीव्स हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टेंसिल तैयार करते हैं पहले, और स्टेंसिल तैयार करने के बाद उसको किसी भी टूथब्रश की हेल्प से कलर ले करके धीरे धीरे थंब की हेल्प से उसको हम कलर करते हैंगे। तो और फिर जब स्टेंसिल को उठा लेते हैं तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स वाला हमारा काम आ जाता है सामने, वो मैं आपको अभी करके भी बताऊंगी बेटा। तो आप इसको पहले, चलिए इसी को हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टेक्निक पर हम आएंगे, क्योंकि हमें अपना सारा ये सिलेबस खत्म करना है। शुरू करते हैं हम इस काम को, और मैं थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मेरे साथ, सबसे पहले एक शीट ले लेंगे। क्या क्या हमें सामान की जरूरत होगी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। एक शीट, टूथब्रश, कुछ कलर्स और ब्रश और वाटर, बस इतनी सी ज़रूरत है हमें। और फिर कोई स्टेंसिल, जैसे मैंने ये कट करके रखा हुआ है, एक ये कट करके रखा हुआ है तैयार करके, और इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा हम डबल साइड टेप का भी यूज़ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इस स्टेंसिल को अपनी शीट पर पहले सेट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टेंसिल को अपनी शीट पर फिक्स कर लिया, टूथब्रश लिया, उस पर ब्रश की हेल्प से और थोड़ा सा वाटर लेकर के मैंने इसमें कलर को लगाया है, और फिर कलर को लगाने के बाद थंब की हेल्प से मैं इसमें धीरे धीरे ड्रॉप्स गिराना स्टार्ट करूँगी, और बिल्कुल इसके पास पास स्टार्ट करूँगी। अगर कलर ज़्यादा है तो आप जो हटा दीजिए, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है, ये देखिए धीरे धीरे आप इस काम को बिल्कुल करेंगे।
जब आपको ये लगे कि इसमें ड्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी हैं उस जगह पर, तब आप इस स्टेंसिल को हटा देंगे। यहाँ पर ये स्प्रे अच्छी तरीके से हो गया है बेटा, और अब हम इसको बिल्कुल साफ हाथ से इस स्टेंसिल को धीरे से सूखने के बाद हटाएंगे। थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर इस तरीके से हम स्प्रे पेंटिंग करते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। ठीक है, जिस स्टेंसिल से हमने बनाया है और जिस स्टेंसिल को बनाने के बाद हमारा रिजल्ट आया है, तो हम दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं इसमें बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये है हमारा एयर ब्लोइंग टेक्निक। इसमें एयर ब्लोइंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, ड्रॉप्स किसी भी पेपर पर कलरफुल ड्रॉप्स हम गिरा लेते हैं थोड़ा पानी के साथ ज़्यादा, और फिर किसी पाइप के थ्रू, इस किसी स्ट्रो के थ्रू, अगर स्ट्रो या पाइप नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह की का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस टेक्निक को अभी हम करते हैं आपके साथ साथ। तैयार हो जाइए अपने कलर के साथ। एयर ब्लोइंग टेक्निक में हम कलर को काफ़ी सारा पानी के साथ गिराते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, एक वही स्ट्रॉ लेंगे, और इस स्ट्रॉ को, ये स्ट्रॉ नहीं है एक्चुअली, मेरे पास यहाँ पे पैन है, तो इस पर अब हम फूंक से, थोड़ा ज़ोर से फूंक लगाएंगे, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से फैल गया है ना, इसको हम एयर ब्लोइंग टेक्निक कहते हैं। और इसका हम एक और भी बहुत अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं कि इसको ब्लो करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद इसकी कहीं भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों हमने ये एयर ब्लोइंग टेक्निक सीखी, इसके साथ साथ नेक्स्ट टेक्निक पर हम आते हैं अपनी। नेक्स्ट है इसमें बच्चों हमारा थंब इम्प्रेशन टेक्निक, जो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था। यहाँ पर एक कंपोजिशन बनाया हुआ है, इसमें कुछ पैरेट और कुछ ट्री दिखाया हुआ, जिसके ऊपर थंब और फिंगर के साथ काम किया हुआ है। तो इस टेक्निक को भी अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, बहुत ही इजी टेक्निक है। और इसके बाद लास्ट टेक्निक है इसमें मार्बलिंग। मार्बलिंग में हम क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा टब ले लेंगे, और उस टब में हम पानी डालेंगे और पानी में कलर गिराएंगे। ठीक है, वो भी कलर कौन से होंगे हमारे, ये आपके ऑयल वाले कलर्स हों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर ऑयल वाले कलर्स नहीं है तो आप सिंपल कलर के साथ थोड़ा सा ऑयल गिरा दीजिए, और ऑयल गिराने के बाद आप पेपर को उस टब के अंदर या उस बाउल के अंदर आप उसको थोड़ा सा डिप करिए, और डिप करने के बाद जैसा कि यहाँ पर थर्ड स्टेप में दिखा रहे हैं, आप इसको इस तरीके से उठा लेंगे और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये वर्क हमारे सामने आता है, और ये बहुत सुंदर लगता है। और ख़ास तौर से इसका यूज़ जो है हम किसी भी चीज़ पर कवर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे गिफ्ट पेपर पर दिखा रहे हैं, ये गिफ्ट पेपर पर मार्बलिंग दिखाइए, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम सीखते हैं थंब इम्प्रेशन। चलिए हमारे साथ साथ आप अपने सामान की तैयारी करिए, कलर्स लीजिए और पेपर लीजिए। थंब इम्प्रेशन के अंदर हम थंब के ऊपर कलर लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कलर लेने से थंब का इम्प्रेशन यानी जो उसमें लाइंस होती हैं वो नहीं आ पाएंगी। यहाँ पर देखिए, शीट को घुमा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और इस तरह से कोई भी हम इसमें
डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े ही आराम के साथ इसमें एक फ्लावर बन गया है। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटी है, ये देखिए। और सूखने के बाद आप इसमें चाहें तो स्केच पेन की हेल्प से इसको और भी डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि इसमें बुक में दिखाया हुआ था कि पैरेट का शेप दिया हुआ है, तो पैरेट बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आता है बच्चों, उस तरह से आप इस तरह ये काम कर सकते हैं, ये टेक्निक आप सीख सकते हैं। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स जो बुक में थी हमारी, वो हमने यहाँ पर कवर की हैं। इस तरह से सिक्स स्टैंडर्ड प्यारे बच्चों, आपकी ये बुक का काम सारा ख़त्म हुआ है और आप इस काम को, सभी प्रोजेक्ट को आप पूरा करेंगे और इसकी पिक्स हमारे पास ज़रूर भेजेंगे। और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय, फिर मिलेंगे हम लोग।